हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम चार ऐसी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपने इट्सी स्टोर पे कभी भी नहीं करनी है। गाइस, जी हां गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं चार ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो आपको अपने इट्सी स्टोर के अंदर कभी भी नहीं करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। ये चार चीजें अगर करेंगे तो आपका इट्सी स्टोर सस्पेंड हो सकता है या फिर हमेशा के लिए डेड हो सकता है, वहां पे कोई भी सेल आगे इन फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो चलिए चलते हैं पॉइंट वन बाय वन। आपको कभी भी अपने जो इट्सी का स्टोर है उसको वेकेशन मोड पे नहीं डालना है। जी हाँ गाइस, वेकेशन मोड का मतलब है आप कभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, आपकी कभी तबीयत खराब हो रही है या कोई भी एक्स वाई जेड इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है वेकेशन मोड का, उसको ऑन कर देते हैं। बट उससे होता क्या है, जब आप वेकेशन मोड पे ऑन करके जब वापस आते हैं और वापस से स्टोर को एक्टिवेट करते हैं, तब आप देखते हैं आपकी जो भी लिस्टिंग थी वो डाउन हो चुकी है, जो आपकी सर्च था वो डिक्रीज हो चुका है, और जो आपके व्यूज आ रहे थे और जो लोग लिंक पे क्लिक कर रहे थे आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो डिक्रीज हो चुके हैं। सो क्योंकि ये नॉर्मली जो इट्सी की एल्गोरिथम है वो इसी तरीके से काम करती है, जो कंटिन्यूस काम करते रहते हैं लोग उनकी लिस्टिंग को ऊपर ऊपर रखते हैं, और प्लस अगर आपने कोई ब्रेक ले लिया है या फिर आपकी लिस्टिंग काफ़ी टाइम से नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो एल्गोरिथम क्या करती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिस्टिंग को नीचे भेज देगी। सो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइज, आपको उस अगर आपको कोई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको कोई इमरजेंसी आती भी है ऐसी कोई, तो आपको कभी भी वेकेशन मोड पे नहीं डालना है। बहुत ही अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह मैनेज कर सकता है, अगर आपके बिहाफ में वो हैंडल कर सकता है चीज़ों को, तो आप डेलीगेट कर सकते हैं काम को। अगर फिर भी नहीं कर सकते, आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी और आपको वेकेशन मोड पे डालना ही है, तो उसकी जगह आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दीजिए। जी हाँ गाइस, ये एकदम 100% श्योर है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दीजिए। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट ऑर्डर्स हैं वो भी कम आएंगे। सो इससे आपकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपकी लिस्टिंग नीचे या डाउन नहीं जाएगी, जैसी आपकी लिस्टिंग चल रही है वैसे चलती रहेगी। सो पॉइंट नंबर वन हो गया। पॉइंट नंबर टू है अपना कि अगर आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है ना कि क्वांटिटी पे। मैंने काफ़ी लोगों की लिस्टिंग्स को ऑब्जर्व किया है। लोग क्या करते हैं कि लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, कलर्स हैं, तो उनकी अलग अलग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं रेदर देन एक लिस्टिंग को क्रिएट करने से। बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्ट सर्च होंगे, ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इट्सी की पॉलिसी या इट्सी की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे, तो रेदर देन आप क्वांटिटी क्वालिटी पे फोकस कीजिए। अगर आपका कोई वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है, मे बी मल्टीपल कलर्स हैं, मल्टीपल साइजेस हैं, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करना है और उसमें वेरिएशंस बनाने हैं। जस्ट लाइक आपका कोई ब्रेसलेट है, कोई ड्रेस है, वो डिफरेंट कलर्स के अंदर है, तो रेदर देन आप हर कलर के लिए न्यू लिस्टिंग बनाएं, उससे बेटर है आप एक ही लिस्टिंग के अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर वेरिएशंस बनाएं और उसको एक ही लिस्टिंग के अंदर आप एसईओ कर पाएंगे अच्छे से और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अपने लिस्टिंग को, और उस लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सेल ले पाएंगे। सो गाइस, आप अच्छे से इसको रीड भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको मिल जाएगा। इट्सी कभी भी ये नहीं बताता कि हर चीज़ के लिए आप अलग अलग लिस्टिंग्स क्रिएट करें। अगर आपके पास हैं ऑप्शंस कलर अलग अलग कलर्स के हैं या साइजेस के, तो इट्सी बोलता है कि आप उनके वेरिएशंस क्रिएट कीजिए और एक ही प्रोडक्ट के अंदर वो ड्रॉप डाउन के अंदर आपको शो होंगे, जिस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑप्शंस आते हैं। सो गाइस, सेकेंड पॉइंट हो चुका है अपना, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है रेदर देन क्वांटिटी। सो गाइस, नंबर थर्ड पॉइंट है, कभी भी आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम नहीं रखना है। बिकॉज एक ऑटोमेटिक माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है, अगर सस्ता प्रोडक्ट है तो चीप क्वालिटी है। आप भी अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके माइंड में ही रहता है कि ये कहीं ना कहीं चीप क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी नहीं होने वाली है। सो ऑलवेज आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपके प्राइस हाई होने चाहिए। आपको फिर भी कंपटीशन के अंदर अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना चाहते हैं, तो रेदर देन आप प्राइस को कम रखें, आप क्लाइंट को डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन है रेदर देन आप अपनी प्राइस को लो रखें और अपने मार्जिन्स को कम रखें। बिकॉज आप कम मार्जिन्स रखेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे और रेदर देन आपको अपने इट्सी का स्टोर को क्लोज करना पड़ेगा। सो नंबर थ्री अपना कंप्लीट हो चुका है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नंबर फोर है,
आपको कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलना है इट्सी के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बिकॉज हम क्या देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे क्या सेल हो रहा है वही प्रोडक्ट परचेज करके हम सेल करने लगते हैं। सो गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है, खाली आपको इंडिया पे फोकस ही नहीं करना है, आपको अदर कंट्रीज में इंडिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट सर्च करने हैं जो काफ़ी सर्च हो रहे हैं, काफ़ी डिमांड के अंदर है, बट उनकी लिमिटेड लिस्टिंग्स हैं इंटरनेट के ऊपर। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, टूल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट फिगर आउट हो जाएंगे कि जो मार्केट के अंदर डिमांड है बट उनके लिस्टिंग काफ़ी लिमिटेड है और उन लिमिटेड लिस्टिंग के ऊपर भी काफ़ी ऑर्डर्स हैं। ऐसे लिस्टिंग के ऊपर आपको काम करना है, रेदर देन आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आने वाली है, बिकॉज आप जैसे प्रोडक्ट लाखों लोग बेच रहे हैं और आप भी वही प्रोडक्ट बेचेंगे तो इतना ट्रैफिक आपके स्टोर पे नहीं आने वाला। तो गाइस, चारों पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं, वन बाय वन मैं आपको रिकैप कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमने कवर किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपको कभी भी अपने स्टोर को वैकेशन मोड पर नहीं डालना है, गॉट इट। नंबर सेकंड है नेवर फोकस ऑन क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी, हमेशा आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। सो एंड नंबर थर्ड है आपको प्राइस हमेशा हाई रखना है, आप डिस्काउंट दे सकते हैं रेदर देन लो प्राइस, बिकॉज लो प्राइस इक्वल टू बैड प्रोडक्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड हमेशा फोर्थ प्रोडक्ट सॉरी एंड फोर्थ पॉइंट है अपना हमेशा आपको एक हार्ड एंड डिफिकल्ट प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है रेदर देन जो इजी प्रोडक्ट अवेलेबल है उस पर काम करना है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको कोई भी डाउट है इट्सी से रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप इट्सी का हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय-बाय, सी यू।